और डॉक्टर पॉल डॉक्टर पॉल वैली और पास्टर जेम्स वो भी हमारे बीच में आज सुबह है. स्टूडेंट आई वांट योर अनडिवाइडेड अटेंशन. विद्यार्थीगण पॉल कम्स एंड शेयर हिज हार्ट विद यू. और विद्यार्थियों जब डॉक्टर पॉल हमारे बीच में आकर परमेश्वर के संदेश को देते हैं मैं चाहूंगा कि आप अपना अविभाजित ध्यान वचन की ओर और अपने दिलों को परमेश्वर कलाम की ओर लगाएं. लेट्स वेलकम रेवरेंड नाग टू दिस प्लेटफॉर्म. आइए हम रेवरेंड नाग का इस मंच पर स्वागत करें. गुड मॉर्निंग. और यहाँ पर आकर के इस महान कार्य करना सचमुच मैं बहुत ही उत्साहित हूँ. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का हमारे अगुए डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस के लिए जो सदैव यहाँ पर खड़े रहते हैं कि हमें आत्मिक तौर पर भावनात्मक तौर पर बौद्धिक तौर पर हमें प्रोत्साहित करें ताकि शैक्षणिक क्षेत्र में हम और ज़्यादा उन्नति कर पाएं. Because of his efforts and leadership, today we are honored to have 88 respected 88 in our midst. और हम धन्यवाद करते परमेश्वर का उनके अथक प्रयास और उनके कार्यों के द्वारा आज जो ATA का दल है हमारे बीच में आया है हम बहुत ही धन्यवादी हैं. We have been looking for this day and today we are really excited. और बहुत दिनों से हम इस दल का इंतज़ार कर रहे थे और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और बहुत ही हम उत्साहित भी हैं कि ATA का टीम हमारे बीच में आया है. As you know, the team has come to take us to the higher level. और जैसे आप सभी जानते हैं इस टीम का यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है कि हमारे विद्यालय को वो एक अगले चरण में लेकर जाएं. So और दो या तीन दिन वो हमारे बीच में रहेंगे और हमारे शैक्षणिक क्षेत्र की सारी बातों को वो जांच करेंगे, हमें बताएंगे किन बातों पर हमें और विकसित करना है, किन बातों को हमें परिवर्तित करना है, तो हमारे संग साथ ही रहेंगे. और हमारे इस कॉलेज की तरफ से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कि हम उनका स्वागत करें. और AT की तरफ से तीन व्यक्तित्व तीन हस्ती हमारे बीच में आए हैं. रेवरेंड डॉक्टर पॉल कॉर्नेलियस इंडियन रीजनल सेक्रेटरी ऑफ ATA. और रेवरेंड डॉक्टर पॉल कॉर्नेलियस जो कि ATA के रीजनल सेक्रेटरी हैं. रेवरेंड विश्व इज द द द डिपार्टमेंट. और रेवरेंड विश्वास है जो कि ATA डिपार्टमेंट के अंग है. And Reverend Samson, who is visiting from the Pimpria Bible College, और who has come there to assist the team to help us in the same process. और रेवरेंड सैम जॉर्ज जो पिपरिया बाइबल कॉलेज से हैं वो यहाँ पर आए हैं कि इस टीम के साथ सहयोग देकर के इस प्रकार के जो निरीक्षण हैं उसमें अपना योगदान दें. Before we welcome them in an Indian process, first let's give them a big clap for them. इससे पहले कि भारतीय शैली से हम उनका स्वागत करें ताली बजाकर हम उनका स्वागत करें. और हम चाहेंगे डॉक्टर पॉल हमारे बीच में खड़े होंगे. और हम बताना चाहेंगे डॉक्टर पॉल परमेश्वर के बहुत ही समर्पित दास हैं, परमेश्वर के लिए सेवकाई करते हैं और वो बहुत ही सेवा के लिए अपने आप को दे दिए हैं. Not only he is the regional secretary of this week, he is my own principal who taught me and met me something in my life. और वो ना केवल ATA के regional secretary हैं परंतु मेरे भी वो प्राचार्य महोदय रह चुके हैं, मुझे बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है. In my MTS time, I was going through a severe crisis to leave the college and permission to go away from the study. और जब मैं अपने MTS का अध्ययन कर रहा था मेरे जीवन में ऐसा पल आया कि मैं कॉलेज छोड़कर सेवकाई छोड़कर बिल्कुल छोड़कर सब कुछ जाने के लिए तैयार हो गया था. Because of his constant care, concern and counseling today, the ministry, I'm proud of for having. लेकिन उनके निरंतर
निरंतर बने रहने वाली प्रोत्साहना उनके प्रेरणा की वजह से आज मैं यहाँ पर बना हुआ हूँ, सेवकाई में पाया जाता हूँ। रेवरेंड विश्वास हमारे बीच में है, उनका स्वागत पास्टर विल्सन करेंगे मालार्पण के द्वारा। और आप सब जानते हैं रेवरेंड विश्वास हमारे बीच में पहले आ चुके हैं और हम कह सकते हैं इस बात को बहुत दूरी से वो हमारे करीब है। और अब ये समय होगा रेवरेंड सैम जॉर्ज हमारे बीच में खड़े होंगे, पास्टर वीडी फिलिप्स मालार्पण के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। हम ताली बजाकर उनका स्वागत करें। सर हम धन्यवाद करते हैं आप हमारे बीच में आए, इस एटी एफिलिएशन के लिए आपने पूरा प्रयास किया, हम धन्यवाद करते हैं। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करेंगे, आप हमें बताएंगे किस रीति से सारे कामों करना है। अब ये समय होगा हम ताली बजाकर डॉक्टर पॉल कॉर्नेलियस का स्वागत करें, परमेश्वर के कलाम को वो हमारे बीच में लेकर के आएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। देरी से खड़े होकर प्रचार करना मुझे उतना पसंद नहीं है। और आज की सुबह में आप सभी के साथ होना बहुत भली बात है। और हमें पता है आप हमारी अपेक्षा कर रहे हैं और हम भी ऐसा चाहते हैं कि फिर से आपके बीच में वापस आए और आपसे मिले। और अपने कुछ सहकर्मियों को, अपने मित्रों को यहाँ पर देखकर आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही कि परमेश्वर आपके बीच में आपके द्वारा क्या कुछ कर रहा है। और मैं और ATA का जो परिवार है उनकी तरफ से मैं आपके लिए अभिवादन लेकर आता हूँ। और लगभग 340 या 50 के लगभग इंस्टीट्यूट्स के कॉलेज के साथ हम मिलकर कार्य करते हैं। And these are institutions spread across Asia. और ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं जो पूरे एशिया भर में फैले हुए हैं। There are a few institutions in the Middle East. और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मिडिल ईस्ट खाड़ी प्रदेशों में पाए जाते हैं। And you may not believe it, but we have a few institutions in North America as well. और आप विश्वास करें ना, लेकिन उत्तर अमेरिका में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके साथ हम कार्य करते हैं। And those institutions train people from the Asian diaspora, really. So they prefer to go with an ATA accreditation. और वहाँ की जो प्रशिक्षण केंद्र है जो उन लोगों के बीच में सेवा करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं जो एशिया से निकल करके वहाँ जाकर रह रहे हैं या वहाँ सेवा कर रहे हैं। Our general secretary is a lady from the Philippines and she knows that we are visiting here and they're praying for us. और हमारी जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो फिलीपींस से हैं, उन्हें मालूम है कि हम आपके बीच में आए हैं, वो आपके लिए और हमारे इस विजिट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। In India, we have a membership of 190 institutions. और भारत में लगभग 190 प्रशिक्षण केंद्र हैं जिनके साथ हम मिलकर कार्य कर रहे हैं। So, as we make up the largest membership of ATA. और यदि बताना चाहें तो हम ATA का सबसे बड़ा
सदस्यों का जुट बनाते हैं. So you can imagine, some of us do a lot of traveling. तो आप देख सकते हैं, हम में से कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करते हैं प्रशिक्षण केंद्रों में जा करके सेवा देने के लिए. Some of us called upon to help with evaluation visits in nearby nations as well, Nepal, Sri Lanka, Malaysia, and so on. Especially those nations that are very closely connected with our own culture and backgrounds. और आप देखिए, ना केवल भारत में, लेकिन भारत के आसपास के जो देश पाए जाते हैं, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पर भी जाकर के हम अपनी सेवकाई को देते हैं, वहाँ पर भी हम प्रशिक्षण केंद्र में जाते हैं. और ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं परीक्षा में, परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे. And we will get to meet the students a little later. We will get to meet the faculty. We will be visiting classes as well tomorrow. So we look forward to our time of engagement with you. तो आप देखेंगे बाद में समय मिलेगा, हमें विद्यार्थियों से बात करेंगे, शिक्षकों से बात करेंगे, बाद में सारी बातों का समय रहेगा. Worship is good. आराधना भला है. But worship is beneficial if it leads to transformation. लेकिन यदि आराधना परिवर्तन रूपांतरण की ओर लेकर जाती है तो वो लाभदायक है. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें. Father, we pray that you would speak to us through your word. पिता, हम ये प्रार्थना करते हैं कि तू हमसे बातें कर. We stand before you. हम तेरे सामने खड़े होते हैं. And we stand in the light of your word. हम तेरे वचन के प्रकाश में खड़े होते हैं. Challenge us. हमें चुनौती दे. Rebuke us. हमें डांट. Encourage us. हमें प्रोत्साहित कर. We want to grow in our walk with you. हम हमारे साथ जो तेरी चाल है उसमें उन्नति करने पाएं. आमेन. आमेन. So worship is good, but worship is beneficial and fulfills its purpose if it leads to transformation. आराधना भली बात है, लेकिन यदि ये रूपांतरण या परिवर्तन की ओर लेकर जाए तो वो लाभदायक है और अपने उद्देश्य को भी पूरा करती है. Worship, yes, is us coming before our God and giving Him all the praise and honor that is due to Him. हाँ, आराधना में हम परमेश्वर के पास आते हैं और वो जितने हमारे स्तुति, आराधना और आदर के योग्य हैं, हम उसे देते हैं. But worship fulfills its or fulfills its whole purpose as we walk away constantly being transformed into the likeness of Jesus. लेकिन जब हम लगातार अपनी चाल में मसीह के स्वरूप में रूपांतरित होते जाते हैं तो इससे आराधना का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो पूरा हो जाता है. So worship is good, it must be emotional, it must be an emotional experience as well. I agree. और आराधना अच्छी बात है, भावनात्मक रूप से आपको उसमें शामिल होना है, मैं इससे सहमत हूँ. But it cannot merely be an emotional experience. लेकिन ये केवल भावनात्मक बातों में सीमित नहीं हो सकता. It must be a transformational experience as well. लेकिन वो भावना के साथ एक रूपांतर परिवर्तन का अनुभव भी होना जरूरी है. Some years ago, actually about maybe 4 or 5 years ago, on Facebook, there was a post. और मुझे लगता है 4 या 5 साल पहले Facebook में किसी ने ऐसा पोस्ट किया था. Now none of you know what Facebook is, right? अब आप में से किसी को भी नहीं पता Facebook क्या है, right? Right? You don't know. आपको नहीं मालूम. झूठ मत बोल. Okay. But I saw this on Facebook. There was a picture of hands lifted up. वहाँ पर एक चित्र था जिसमें हाथ व्यक्ति के ऊपर थे. And underneath there was this caption. और नीचे वहाँ पर ये वाक्य लिखा था. And the caption said, Finally, this generation has discovered what authentic worship is. और वहाँ लिखा था, अंततः इस पीढ़ी ने ढूंढ निकाला है कि सच्ची आराधना क्या है. Not my generation, it was the next generation. मेरी पीढ़ी नहीं, उसके बाद की जो पीढ़ी है. And all the young people put light, 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 light. और सारे जवान लोग वहाँ पर
राइट 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 लाइट लाइट ज्योति ज्योति लाइक उसमें कर दिए थे लाइक लाइक या उसमें लाइक किए हुए थे पोस्ट में या And they were also happy and they were comments, yeah, the others don't know what worship is and all of that. और वहाँ पर कई लोग कमेंट टिप्पणी भी कर रहे थे कि बाकी लोगों को पता नहीं सच्ची आराधना क्या है ये सच्ची आराधना है तो कुछ समय के लिए मैंने विचार किया उस पोस्ट के ऊपर फिर मैंने अपनी टिप्पणी वहाँ दी मैंने कहा गलत मैंने वहाँ लिखा हर एक पीढ़ी को अपने मुताबिक ढूंढ कर निकालना है कि सच्ची आराधना क्या है No one generation can say we understand it all. एक पीढ़ी ये नहीं बोल सकती कि हमने सब समझ लिया Each generation must understand and discover for itself what true worship is. हर एक पीढ़ी को खुद से ये बात पता लगाना ढूंढ कर निकालना है कि सच्ची आराधना क्या है But you really can't go wrong if you look at scripture, right? आप परमेश्वर के वचन को आप यदि देखें तो आप गलत नहीं हो सकते so turn with me to Amos. आमोस नबी की पुस्तक में आए पांचवे chapter 5. उसके पांचवे अध्याय को हम खोलेंगे I'm just going to read just a very few I'm going to ask my brother rather to read और मैं पढ़ूंगा आपके लिए if you would read Amos chapter 5 verses 4 5 and 6 आमोस नबी की पुस्तक पांचवा अध्याय चौथी पांचवी और छठवीं आयत हम पढ़ेंगे यहोवा इज़राइल के घराने से यों कहता है मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे बेतेल की खोज में ना लगो न गिलगाल में प्रवेश करो न बेर्शेबा को जाओ क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधवाई में जाएगा और बेतेल सुना पड़ेगा यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा Seek me and live. मुझे ढूंढो और जीवन पाओ Do not seek Bethel, do not go into Gilgal, do not go into Beersheba. और बेतेल में न जाओ गिलगाल में न जाओ बेर्शेबा में मत जाओ Seek the Lord and live. यहोवा को ढूंढो और जीवन पाओ If you go through the book of Amos, you'll find that this is the central chapter, right? You've got 9 chapters, and number 5 is the central chapter. यदि आप आमोस की पूरी पुस्तक पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि ये जो अध्याय है, वो उसका मुख्य केंद्र का अध्याय है. 9 अध्याय पाए जाते हैं, ये बीच में आता है. And I don't think it's any surprise that this is the central message also of the book of Amos. और मुझे लगता आपको ताज्जुब होगा ये बात सुनकर के मैं ये मानता हूँ कि ये पूरे आमोस की पुस्तक का मुख्य विषय है संदेश है Now, if you will picture with me, the prophet Amos standing at an elevation as people are coming to worship and offer sacrifices and so on. आप इस चित्रण को अपने दिमाग में मेरे साथ करें कि आमोस एक ऊंचे स्थान में ऐसा खड़ा हुआ है और लोग या विश्वासी आप बोलिए वो आराधना करने या बलिदान करने उसके पास आ रहे हैं and Amos is standing there and saying, don't come to Bethel, don't come to Gilgal, and don't come to Beersheba. और आप देखिए आमोस इस रीति से उनसे कह रहा है तुम बेर्शेबा बेतेल और गिलगाल में मत आओ आराधना करने के लिए But actually, if you look at chapters 1 and 2, Amos is talking about other nations around Israel. आप पहले और दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आमोस जो है दूसरे देशों के बारे में जो इज़राइल के आसपास रहते हैं उनके बारे में बात करता है And Amos is bringing God's judgment upon the other nations. और आमोस परमेश्वर के न्याय को दूसरे देशों के ऊपर ला रहा है so you have Edom, Damascus and all of those guys. आपके पास गिदोन है दमिश्क है ये सारे जगह है so as the people of Israel are walking up, they first are hearing Amos talk about all the other nations. और जैसे अब लोग जब आमोस के पास जा रहे हैं वो क्या सुनते हैं वो दूसरे लोग और देशों के बारे में बात कर रहा है and they must have been saying very good Amos all those chaps are useless fellows say all these things about them वो बोल रहे हैं अरे बहुत बढ़िया आमोस ये लोग सच में फालतू के लोग हैं तुम सही बोल रहे हो and then all of a sudden after chapter 2 Amos starts saying
for so many sins of Israel, for so many sins of Judah, this is what God is going to do. और अब देखिए दूसरों के बारे में सारी बातें बोलने के बाद अब वो यहूदा और इज़राइल के बारे में बोलता है, इतने पाप तुमने किए, इतनी बुराइयां तुमने की. You know, we all like it when judgment comes on everybody else. और आपको पता है ना, हम सबको बहुत अच्छा लगता है जब दूसरों पर न्याय टूट पड़ता है, दंड आ जाता है, right? है ना? We feel happy inside, huh? हमें अंदर बहुत ही अच्छा लगता है. But when God speaks to us and we are challenged, then it becomes a problem. लेकिन जब देखिए परमेश्वर हमें चुनौती देता है, हमारे न्याय की समय आती है, तो हम संकट में पड़ जाते हैं. And suddenly Amos is talking about Israel and Judah. अब देखिए अचानक से जो आमोस है इज़राइल और यहूदा के बारे में बात करना शुरू कर देता है. अब ये लोग बोल रहे होंगे, अरे तुम तो दूसरे के बारे में बात कर रहे थे, हमारे बारे में कहां से तुम आ गए? But then Amos begins to address a deep-rooted problem within the people of God. लेकिन अब देखिए आमोस लोगों के अंदर गहराई में बसने वाले समस्या के बारे में बात करने लगता है. And so then you come to chapter 5. There's a host of other things, but I think this is the key part of the message of Amos. And then God says, you know what? Don't come to Beersheba, don't come to Bethel, and don't come to Gilgal. आप देखिए और भी बहुत सी बातें यहाँ पर होती है, लेकिन मुझे लगता है ये मुख्य बात है जहाँ परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम गिलगाल, बेर्शेबा और बंधुओं में जाकर तुम मत आओ, बेतेल में मत आओ आराधना के लिए. So let's ask the question, why? आइए प्रश्न हम करें, आखिर क्यों? But before we get to that, let's ask this question, what was important about Bethel, Gilgal and Beersheba? इससे पहले हम वो प्रश्न करें, आइए हम ये जानें कि ये जो बेतेल है, गिलगाल है, बेर्शेबा है, इनकी खासियत क्या है? So Bethel, what happened at Bethel? आप let's talk about it. What happened at Bethel? आप बताइए बेतेल में क्या होता है? बोलिए. What happened at Bethel? बेतेल में क्या होता है? Somebody quickly, come on, you know. Somebody showing hand. Yes, yeah. Tell me. I can't. Okay, can't hear you. आप सामने आ जाओ. नहीं, it will take time. It will take too much. He's saying something about Jacob. Jacob, yeah. Right? You said Jacob. So Jacob, God met Jacob at? Right. So lot of stories about Jacob and God. आप याकूब और परमेश्वर के बीच में बहुत सारी बातें बेतेल में होते हुए देखते हैं. You can sit down. Yes. So बैठ जाइए. He had the vision, right? दर्शन उसको मिला. He wrestled with God. परमेश्वर का संघर्ष किया. So Bethel was a very important place in the worship life of the people of Israel. इज़राइल के लोगों की बात करें, उनके आराधना की जीवन की बात करें, तो बेतेल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था. It had both historical and religious significance. उसका ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों महत्व हम देखते हैं. गिलगाल. गिलगाल के बारे में? What happened at Gilgal? गिलगाल में क्या हुआ? Remember crossing the Jordan? आपको पता है यर्दन पार किए? The people of Israel. इज़राइल के लोगों ने. They entered to Gilgal. That's where they set up what? और वहाँ पर उन्होंने क्या स्थापित किया? The altar, the stones. Yes. हाँ. Okay, as a memorial, and that is why they worship God. पत्थर रखकर वेदी बनाई और वहाँ पर उस परमेश्वर की याद में उन्होंने आराधना किया. So historical and religious significance. फिर से एक बार ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व. Beersheba, little more obscure or vague. बेर्शेबा थोड़ा और अलग और अपने आप में भिन्न स्थान. What happened at Beersheba? आप बताइए बेर्शेबा में क्या हुआ? If you go back to the book of Genesis, यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक में आए, this has to do with Abraham. अब्राहम के संबंधित, उससे संबंधित हम देखते हैं. Genesis 27-28, that whole piece there. मुझे लगता है उत्पत्ति 27-28 में आप पूरी घटनाक्रम को पाएंगे. There's a covenant that is made. एक वाचा वहां पर बांधी गई. Right? सही है? So, Beersheba has got historical and religious significance. तो बेर्शेबा में भी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की बात हम देखते हैं. The worship of the people of Israel could not do without these three significant places. तो
इसराइलियों की आराधना इन तीन महत्वपूर्ण स्थानों के बगैर नहीं हो सकती। These were the places they went up often to worship. और ये वो स्थान है जहां वो आराधना के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए जाते थे। In fact, Beersheba, a little later, you also read about the prophet Elijah. और आप एलिया के बारे में देखते हैं, बेर्शेबा में संबंधित बहुत सी घटना वहां होती है। But these were the key places for the worship and religious life and practice of the people of Israel. तो आप देख सकते हैं ये मुख्य धार्मिक स्थान थे, ऐतिहासिक स्थान थे जो इसराइलियों की आराधना के जीवन से संबंधित थे। So imagine the shock of the people when they hear Amos tell them and speak God's word saying, "Don't come to Bethel. There is no need for you to come to Beersheba. There is no need for you to come to Gilgal." अब आप देखिए कितना झटका लोगों को लगा होगा जब उन्होंने सुना होगा कि अब तुम बेतेल, बेर्शेबा और गिलगाल में आराधना करने ना आओ इस बात को सुनकर। Imagine if you were standing in front of a church on Sunday morning. आप कल्पना करें रविवार की सुबह आप कलीसिया में ऐसा सामने खड़े हुए हैं। You believe God has told you to say this word. और आपको ये लगता है कि परमेश्वर ने आपको इस संसार को बचाने के लिए बुलाया है। You said, "Don't enter this church." आप कहते हैं, आपसे कहा जाता है इस कलीसिया में प्रवेश ना करो। What do you think will happen to you? आपको क्या होगा, क्या लगता है आपको? That's exactly what was happening there. बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको लगेगा इनके साथ यहाँ हो रहा है। So you imagine the people saying, "What nonsense are you talking about?" लोग हो सकता है बोले होंगे, क्या मूर्खाना बातें आप कर रहे हैं? Don't you know we are God's special people? क्या आपको ये नहीं पता हम परमेश्वर की विशेष लोग हैं? Don't you know that God has chosen us out of all the nations? क्या आपको ये नहीं पता परमेश्वर ने तमाम जातियों उसमें से हमको चुना है? How dare you say, "Don't come"? तो आप कैसे ये कर सकते, इतनी हिम्मत कैसे हुई बोलने की कि यहाँ आराधना करने मत आओ? And yet, that is exactly what Amos is doing, speaking God's word. और बिल्कुल वही काम आमोस कर रहा है, परमेश्वर के वचन को वो बोल रहा है। Why? क्यों? Amos 4 verse 4. आमोस चौथा अध्याय उसकी चौथी आयत। आमोस के पुस्तक 4:4 हम पढ़ेंगे, बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो, अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। You read it very nicely. I'm going to read it the way I think God meant it, okay? और अब मैं इस रीति से इस बात को बोलूंगा जैसा परमेश्वर ने बोला होगा। God must have thought, "Okay, you guys, yeah, come to Bethel." और परमेश्वर ने ऐसा कहा होगा, हाँ तुम लोग आ जाओ, बेतेल में आ जाओ और पाप करो, हाँ गिलगाल भी आ जाओ और ज्यादा पाप करो, हाँ अपने बलिदान ले आओ, अपने सारे बलिदान चढ़ावे ले आओ। आपको बस घमंड करके ये बताना है कि मैं इतने इतना दान दिया, इतना बलिदान किया। You see the difference? आप वहां अंतर को देख सकते हैं। So worship made no difference in the life of these people. तो आराधना से इन लोगों के जीवन में कोई भी अंतर नहीं आता। Actually, I suspect many times worship makes no difference for us as well. और कई बार मैं भी इस बात को सोचता हूँ, मानता हूँ कि आराधना से आपके मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। That's a hard statement to make, right? बहुत ही कठोर ये कथन है जो मैंने कहा। But I look at myself and I make that statement too. लेकिन मैं अपने आप को देखकर ये कथन कह रहा हूँ। How many times I've come in worship and then gone out and done the same thing? कितने बार मैं आराधना के समय में आया और वापस गया और वही काम किया जो पहले करता था। How many times I come into God's presence and walked away with no change or no, not even an iota of being convinced? इतना मतलब कि कई बार मैं आराधना में आया, मैं चला गया, एक आयोटा कण भर भी परिवर्तन मेरे अंदर नहीं आया। No conviction whatsoever. मन में किसी भी बात से मैं कायल नहीं हुआ। We live in a land where people want pilgrimages. Right? और हम एक ऐसी भूमि रहते हैं जहां पर लोग पवित्र स्थलों में जाते हैं। I know, only got 5 minutes. 5 मिनट और बचे हैं मेरे पास। Or it's almost five. But just bear with me for a little bit. थोड़ा समय और आप मेरे साथ रहें। आप केरल जाए, वहाँ सबरीमला नामक एक स्थान है। You go to North India, you have the Amarnath Yatra.
आप उत्तर भारत में जाएं, अमरनाथ यात्रा है। और फिर हमारे मुस्लिम मित्र हैं जो हज के लिए जाते हैं मक्का में। When you look at all of them, what do you actually think in your mind? जब आप इन सब लोगों को देखते हैं, आपके मन में क्या बात आता है? I've thought it. मैंने इस बारे में सोचा। And I've said, what's the use of you guys going? मैं उनसे बोला, आपके वहाँ जाने का क्या अर्थ निकलता है? Right? सही है? Don't you think that? क्या आपको ये नहीं लगता? The problem no is. समस्या ये है। So those are all pilgrimage places. सब वो अच्छे स्थान है और धार्मिक स्थल है। The problem is, we also have our pilgrimage place on a weekly basis, maybe on a daily basis, but we come, we go. We fulfill our obligation. और हमारा भी धार्मिक स्थल है, हम हफ्ते में एक बार जाते हैं, कई जगहों पे रोज जाते हैं, हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। Our worship, our going to church, is a pilgrimage. हमारी आराधना कलीसिया में जाना एक प्रकार से धार्मिक स्थल में जाना है। And God looks at us and says, why do you come in the first place? और परमेश्वर हमें देखकर कहता है, तुम क्यों आते हो यहाँ पर? There's no need. कोई जरूरत नहीं। Because you come and you go and you continue to live the same way. आप जाते हैं, आते हैं, उसी रीति से आपका जीवन रहता है। In the book of Malachi, in the first chapter. और मलाकी की पुस्तक पहले अध्याय में that is another passage that deals with the issue of worship. आप देखते हैं वहां पर एक और परिच्छेद है, शास्त्र भाग है, जो आराधना से संबंधित है। You know what my problem with what we do today? We worship, but we do not have a solid theology of worship. और मेरी बताता हूँ आज की समस्या क्या है, मुझे जो लगता है, हम आराधना करते हैं लेकिन ठोस धर्म विज्ञान हमारे पास नहीं है। Do not have a biblical understanding of worship. और बाइबल आधारित जो समझ है उद्धार का, आराधना का, वो हमारे पास नहीं है। So in Malachi, मलाकी की पुस्तक में, God is talking to the people of Israel again, not anybody else. परमेश्वर किसी और से नहीं, परंतु फिर से एक बार इज़राइलियों से बात कर रहा है। And he points out where they are failing in their worship. और उन्हें बता रहा है कि तुम्हारी आराधना में कमी कहां पर आई है। But the verse that I like the most, or the words of God that I like the most in that passage. और इस परिच्छेद में सबसे ज्यादा मुझे जो वचन पसंद है, and it challenges me to my very core. और मेरे आंतरिक, मेरे क्षेत्रों तक जो बात मुझे चुनौती देती है, is when God says, I wish you will not light fires on my altar. और काश ऐसा होता कि तुम मेरी वेदी पर आग या बलिदान को ना चढ़ाते, उसे ना जलाते। I wish there is somebody who will shut the doors of the temple so that you do not come in. काश ऐसा होता कि कोई उस मंदिर का दरवाजा बंद कर देता और तुम अंदर नहीं आते। In effect, what God is telling the people of Israel is, I do not want to see your face. और दूसरे शब्दों में यदि कहें, परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। We don't like to hear these people. Our God is a God of grace, right? हमारा परमेश्वर अनुग्रह परमेश्वर, ये बातें कौन सुनना चाहता है? Our God is always forgiving, right? वो हमेशा हमें माफ कर देता है। God is serious about this. इस बात के विषय में परमेश्वर बहुत गंभीर है। So really what God was telling the people of Israel is, don't come into my presence and make mockery of who I am. मेरी उपस्थिति में आकर मैं जो हूँ तुम उसका ठट्ठा मत उड़ाओ। In Malachi, God says, you have profaned my name. मलाकी में लिखा है, तुमने मेरे नाम को अशुद्ध किया है। Actually, अशुद्ध is not the actual translation. और अशुद्ध उसका वास्तविक अनुवाद नहीं है। To profane is to make ordinary. और profane जो शब्द है उसका अगर आप सही अनुवाद देखेंगे, मतलब ये होता है आप उसको आम बना दें। You have made my name very ordinary among your people. अपने लोगों के बीच में मेरे नाम को आम बना दिया है। Ask this question. We live in a land that worships, okay? हम आप कल्पना करें, ऐसी भूमि में हम रहते हैं जहां लोग आराधना करते हैं। Whatever faith they come from, they take worship seriously. और जिस किसी विश्वास की बात क्यों ना, आराधना बहुत गंभीरता से लेते हैं। How have we made God ordinary in their eyes?
और उनकी आंखों में हमने परमेश्वर को कितना सामान्य कितना आम कर दिया है. Because in the Old Testament, the point is, we don't agree with it, but there were religions that even offered the best their children to the God. We may not agree with it. आप देखिए कई बार हम उसमें सहमत नहीं होंगे. पुराने नियम के समय में कुछ ऐसे धर्म थे जो परमेश्वर को दान करके अपने बच्चों को बलिदान चढ़ाते थे. That is what they're doing. What are you giving to me? अरे देखो वो ऐसा कर रहे हैं, तुम मुझे क्या दे रहे हो? You have made me ordinary in the eyes of people. उनकी आंखों में तुमने मुझे आम सामान्य बना दिया है. Our Western life, if it does not lead to transformation, when people see God at work in us, we have been ordinary in our country. आप देखिए जब लोगों के बीच में हमारे देश में हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता आराधना के द्वारा, तो अपनी इस आराधना से हमने परमेश्वर को आम और सामान्य बना दिया है. और सबसे उत्तम जो हम परमेश्वर के पास ला सकते हैं वो है परिणित जीवन. The best we can bring God is a life that is totally committed to Him and says, God, we love you, we want to walk like your son Jesus. सबसे उत्तम जो हम परमेश्वर कर सकते हैं वो ये है कि मैं तेरे पुत्र यीशु के समान चलूंगा, उसके समान बनूंगा. You see what happens when I come with a true attitude of worship in God's presence. और परमेश्वर की उपस्थिति में सच्ची आराधना के लिए आने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर जैसा है आप उसको वैसा ही देखते हैं. In that light, I see who I am. उस प्रकाश में आप देखते हैं अपने आप को कि मैं क्या हूँ. And at least in some small way, I must walk away saying, God, I want to be a little more like your son Jesus. और किसी ना किसी रूप से आप जाने के पहले ये कहते हैं, प्रभु मैं थोड़ा और तेरे पुत्र यीशु के समान बनना चाहता हूँ. प्रभु वो जो पाप मुझे पीछे खींच रहा है मैं उसे अपने से दूर करना चाहता हूँ. Lord, my attitude towards people, help me deal with it. अब मेरा जो व्यवहार दूसरों के साथ है मैं उसे बेहतर करने मेरी मदद कर. But Lord, change me as I come to your presence. प्रभु लेकिन जब तेरी हुजूरी में मैं आता हूँ तो इसी समय मुझे परिवर्तित कर. As I was walking through, I said, Lord, today speak to me and challenge me, change me. और जब मैं चलकर अंदर आ रहा था मेरी ये प्रार्थना थी, प्रभु तू आज मुझे चुनौती दे और आज तो मुझे परिवर्तित कर. और यही है हम आते हैं, यही मनोभाव है जिसके साथ है परमेश्वर की उपस्थिति में आना. और आराधना खत्म होने के बाद मैं खड़ा होकर दूसरे की बुराई करना शुरू नहीं करता. I know it happens in our churches. मुझे पता है हमारी कलीसिया में ये सब होता है. I know you and I do it sometimes. आपको पता है आप और मैं भी कभी कभी ये करते हैं. And then my question is, so why did I even go into worship if this is what I'm going to do the minute I walk out of the church? यदि बाहर जाकर मुझे यही करना है तो आराधना में आने का उद्देश्य क्या है? So, why do you come to worship? तो आप आराधना में क्यों आते हैं? Yes, to lift up our most holy God. हाँ, अपने सबसे पवित्र परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए. But also seeking his face. लेकिन उसके चेहरे को ढूंढना भी. So that I may live. ताकि मैं जीवित रह पाऊँ. Otherwise I still live in death, or I might say death, if there is no change and no growth in my life. अन्यथा यदि मेरे जीवन में उन्नति नहीं है, विकास नहीं है, तो अब भी मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूँ जो परिवर्तित नहीं है. So worship is good. It's good to give thanks to our God. तो परमेश्वर को धन्यवाद देना अच्छी बात है, आराधना करना. Worship must be an emotional experience. और आराधना भावनात्मक अनुभव भी होना चाहिए. But worship must be also a transformational experience. लेकिन आराधना एक परिवर्तन एक रूपांतरण का अनुभव भी होना चाहिए. The Lord bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीर्वाद. Let's just give thanks to God. आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम उसकी और उसकी आराधना स्तुति हम करते हैं. आइए हम प्रार्थना करें. पिता हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए कि आपने फिर से एक बार अपने दास के द्वारा हमसे बातें किया, हमें स्मरण दिलाया प्रभु कि हमारी आराधना हमारे लिए लाभदायक होना चाहिए, एक ऐसा लाभ जो हमारे जीवन में एक परिवर्तन को एक रूपांतरण को लेके आता है.
होने पाए तेरे दास के द्वारा जो संदेश हमने सुना है प्रभु, हम में से हर एक के लिए एक परिवर्तन करने वाला अनुभव हो जाए। अपने दास डॉक्टर पॉल को आप बहुत ऐसे आशीष दें और भी अपनी सेवा में इस्तेमाल करें, जब तक हमारे बीच में है हमारी कलीसिया हमारे विद्यालय के लिए बड़ी आशीष का कारण रहने पाए। धन्यवाद करते प्रार्थना सुना यीशु के नाम से मांगते हैं। सब मिलकर बोले हालेलुया।